माधवी, ए माधवी। हाँ बोला था। सुबह हो गई। रोज होती है। नहीं विनोदी, रोज सुबह होती है पता है, लेकिन रोज सुबह सोनू सरप्राइज नहीं देती। पता चला सरप्राइज क्या है? नहीं ना, मैंने भी पूछा लेकिन बता ही नहीं रही है। और मैं किचन में गई ना तो मुझे बाहर निकाल दिया। पता नहीं किचन में क्या सरप्राइज देने वाली है। माधवी कल पूरी रात में सोया नहीं हूँ, यही सोच रहा था कि सोनू क्या सरप्राइज देने वाली होगी, सोनू क्या सरप्राइज देने वाली होगी। गुड मॉर्निंग आई बाबा। सोनू ये क्या है, नया एप्रन क्यों पहना है? सरप्राइज बाबा। हाँ तो बता दे बेटा सरप्राइज क्या है। एक्चुअली मैं आई को भी बता दूंगी पर बाबा आपको अभी नहीं बताऊंगी। पार्टी बदलू थे, आई को बताओगी बाबा को नहीं बताओगी, मतलब ये नहीं चलेगा। चलता है सरप्राइज में, चलता है, होगी नहीं। हाँ, हाँ, सोनू तुम्हारी ये सरप्राइज मेरी उत्कंठा, मेरा टेंशन बढ़ा रही है। और अगर तुम्हें सरप्राइज सिर्फ आई को बताना था तो मुझे क्यों बोला कि मैं आपको सरप्राइज देने वाली हूँ? बाबा मुझे आपको बताना नहीं है, मुझे आपको सीधा दिखाना है। इसलिए आप अभी घर के बाहर जाइए। घर से बाहर निकाल रही है मुझे? घर से थोड़ी निकाल रही है, आपको बाहर जाने के लिए कह रही है, थोड़ी देर के लिए जाइए ना। नहीं नहीं मुझे नीचे नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगा। और वैसे भी नीचे जाके क्या करूंगा मैं? पर जाइए ना सोसाइटी में जाके, कुछ काम होगा। नहीं सोसाइटी का कुछ काम नहीं। स्विचर लिखा आपने? स्विचर भी नहीं ना। जाइए जाइए लिख कर आइए जाइए। ये ठीक नहीं है माधवी, तुम अचानक उसकी पार्टी में चली गई हो। पार्टी का मतलब मैं आप दोनों के पार्टी में हूँ। और ये बेचारी जो भी कर रही है आपको खुश करने के लिए कर रही है। एक बेटी अपने पिता को सरप्राइज दे रही है, आपको खुश होना चाहिए। नहीं माधवी मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी मुझे सरप्राइज देने वाली है, लेकिन साथ में जानने के लिए बेकरार भी हो रहा हूँ ना कि सरप्राइज क्या है। बाबा अभी आप नीचे जाइए ना, मैं आपको फटाफट बुला लूंगी। चलो हिट तो दी ना बाबा, ये सांगे ना क्या अर्थ है। क्या भिड़े भाई, ध्यान कहाँ है आपका? वो सरप्राइज में सॉरी हाँ सॉरी, जनरली लोग ऐसे सामने देख के चलते और आप ऐसे ऐसे करके चल रहे हो। सॉरी बोला ना भाई साहब। नहीं इट्स ऑल राइट। कमाल है, ये ऐसा क्या सरप्राइज होगा जो माँ बेटी ने मुझे घर के बाहर निकाल दिया और खुद अंदर रह गए। सरप्राइज अच्छा होना चाहिए, सोनू का सरप्राइज दिमाग से निकल ही नहीं रहा। क्या होगा सोनू का सरप्राइज? तुम्हें कैसे पता? भाई आज का सुविचार लिखा है आपने। सॉरी वो गलती से लिख दिया। और मेहता साहब। ओहो जेठालाल चलो उनको भीड़। अरे जेठालाल मेहता साहब, अरे यहाँ आइए, देखिए भीड़े ने आज कितना बढ़िया सुविचार लिखा है। उनको क्यों बुला रहे हो भाई? अच्छा क्या लिख दिया भाई ऐसा? हाँ क्या लिखा भाई भीड़े? आइए आइए देखिए जरा। क्या होगा सोनू का सरप्राइज, क्या मतलब? हाँ ये सुविचार कुछ समझ में नहीं आया। एक्चुअली कल रात को सोनू ने मुझे बोला कि वो आज मुझे सरप्राइज देने वाली है, तो कल पूरी रात में नींद में यही सोचता रहा कि क्या सरप्राइज होगा क्या सरप्राइज होगा, तो उसी विचार में मैंने ये सुविचार लिख दिया। अरे लेकिन सोनू सरप्राइज देगी उसमें इतना विचार करने की क्या जरूरत है भिड़े? भाई बिटिया है, पिता को अच्छा ही सरप्राइज देगी। वैसे भी त्योहारों का मौसम चल रहा है, बढ़िया मिलेगा कोई सरप्राइज। हाँ भिड़े अब कोई बढ़िया सा सुविचार लिख दे बोर्ड पर। हाँ लिखता हूँ लेकिन पोपटलाल सच बोलू तो मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है क्या लिखूं। अरे अभी चार दिन बाद दिवाली आ रही है तो दिवाली पे कोई सुविचार लिख दे, या दिवाली में स्वच्छता रखनी चाहिए उस विचार पे सुविचार लिख दे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वाह 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 जेठा क्या बढ़िया विचार बोला है तुमने, थैंक यू। अरे भाई मेरे पास तो सुविचारों का भंडार पड़ा है, कभी भी किसी भी टाइप का सुविचार चाहिए बेझिझक मांग लेना, एफओसी दे दूंगा। एफओसी फ्री ऑफ चार्ज। टीवाई कहते थैंक यू। लाया बापू लाया। वाह वाह ये हुई ना बात। हाँ बहुत बढ़िया भिड़े, आप लिखा है बिल्कुल फर्स्ट क्लास तुमने, स्वच्छता को अपना काम नहीं अपनी आदत बनाओ। अच्छा दोस्तों मैंने कल अपने घर पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया है तो आप सबको आना है। अरे वाह वाह दिवाली के पहले कार्यक्रम, क्या बात है, कितने बजे आना है? बताता हूँ भाई भिड़े,
और कोई आए ना आए, लेकिन तुम्हें तो आना ही है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गोकुलधाम सोसाइटी के एक मेवे सेक्रेटरी होने के नाते उस कार्यक्रम का उद्घाटन तुम्हारे शुभ हाथों से हो। अरे क्यों नहीं, बिल्कुल करूंगा, लेकिन कार्यक्रम क्या है? कल से मैं अपने घर में दिवाली की साफ सफाई का शुभारंभ कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि साफ सफाई कार्यक्रम का उद्घाटन तुम मेरा ड्राइंग रूम साफ करके करो। अच्छा अच्छा, मतलब मैं ड्राइंग रूम साफ करूंगा तो बाकी के कमरे ये लोग साफ करेंगे? हाँ, जिसको जो कमरा पसंद आए चुन ले। और आप क्या करेंगे श्रीमान जी? फिर पुरस्कृत करूंगा। क्या बोला, क्या करेगा? पुरस्कृत करेंगे। क्या वो मतलब क्या करेगा? उसका मतलब है कि मैं पुरस्कार दूंगा, जो सबसे अच्छी सफाई करेगा उसे मैं अपने हाथों से एक नायाब पुरस्कार यानी कि तोहफा दूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारी तिजोरी साफ करूंगा। जेठालाल, तुम भी क्या बबूल के पेड़ पे आम ढूंढ रहे हो भाई। जिसके फोन में बैलेंस नहीं होता उसकी तिजोरी में क्या होगा, क्या साफ करोगे? नेता साहब, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिनके फोन में बैलेंस भले ना हो लेकिन तिजोरी में फुल बैलेंस होता है। तो भाई तेरा, तुम तिजोरी खोल कर रखना, मैं आके साफ कर दूंगा। नहीं 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 भाई, कोई सफाई नहीं करनी भाई, सफाई कार्यक्रम कैंसिल कैंसिल। अरे डरो मत भाई, नहीं साफ करूंगा तुम्हारी तिजोरी। अरे भाई, मेरे घर में तिजोरी नहीं है, तुम साफ क्या करोगे? लो, और वैसे भी मैं अपने घर पर रोज साफ सफाई करता हूँ, दिवाली की राह नहीं देखता हूँ। तो ये लिखा है ना, स्वच्छता को अपना काम नहीं आदत बनाइए, इन्हीं आदर्शों पर मेरा जीवन चलता है। तो बहुत बढ़िया, आदर्शों पर चलता है। चलो भाई, मैं चलता हूँ, मुझे मेरे बॉस ने दिवाली के चक्कर में जल्दी बुलाया है। हाँ भाई चलो, मुझे भी दिवाली आ रही है तो दुकान में बहुत कम है, इसीलिए मैं घर से आज जल्दी निकला था कि दुकान जल्दी पहुँच जाओ, तो यहाँ ये सुविचार में इसने अटका दिया। आइए मैं आपको ऑफिस छोड़ देता हूँ। पर तुम्हें भी तो लेट हो रहा है जेठालाल। दो मिनट में क्या फर्क पड़ेगा, चलो। ओके चलो, बाय बाय। और बबूलाल, आज छुट्टी? नहीं भाई, बहुत काम है। वो नई फिल्म आ रही है ना शिवाय, उसके बारे में धमाकेदार आर्टिकल लिखना है। अरे वाह, मैं तो कहता हूँ सुपर डुपर हिट फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म के बारे में अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस के वरिष्ठ युवा पत्रकार लिखने वाले। अच्छा अच्छा, मतलब तुम आर्टिकल लिखने वाले हो, इसलिए फिल्म सुपर डुपर हिट है? नहीं 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 भाई, अब तक की जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से इस फिल्म में एक्शन है, रोमांस है, इमोशन है, सब है। अजय देवगन जी ने बहुत खर्चा किया इस फिल्म को बनाने में। अरे भाई लेट हो गया, प्रेस पहुंचना, हर बार बातों में लगा देता है और मुझे लेट करवा देता है। वाह, तुमको मैंने क्या इनविटेशन दिया था कि यहाँ पे आके सुविचार पढ़ो? चलो गुड डे। अभी तक सोनू ने नहीं बुलाया, क्या कर रहे होंगे दोनों? भिड़े भाई, हाँ मैं दिवाली के लिए कंडील वगैरह लेने के लिए मार्केट जा रहा हूँ, कुछ और चाहिए तो बोलो, मैं लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, वैसे कुछ लाना तो नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ जो सफाई कामगार आते हैं ना साफ करने के लिए सोसाइटी, उनको बोलना कि कल तक सोसाइटी अच्छे से साफ होनी चाहिए क्योंकि दिवाली नजदीक आ रही है। पर हाँ, उनको ये भी बोलना कि टेरेस भी साफ करें। हाँ, वो साफ हो जाएगा। पर हाँ, ये भी बोलना कि सिर्फ दिवाली है इसलिए नहीं, बल्कि साल के पूरे 365 दिन सफाई अच्छे से होनी चाहिए। वो तो है, क्योंकि स्वच्छता को अपना काम नहीं अपनी आदत बनाए। वाह क्या बात है भिड़े भाई, मैं चलू? हाँ ओके। और कितनी देर ऐसे यहाँ पे रुकना पड़ेगा? तो बुला क्यों नहीं रहे? क्या होगा सरप्राइज? हेलो माधवी, अरे कब से मैं, अच्छा रेडी है? ओ आलो आलो, फाइनली हो गया सरप्राइज, रेडी हो गया सरप्राइज, रेडी हो गया। पहले आंख बंद करो, देखिए आपको सरप्राइज देखनी है तो आंखें बंद करनी पड़ेगी। हुशियार, अगर मैं आंखें बंद करूंगा तो सरप्राइज देखूंगा कैसे? ओ डबल हुशियार, सरप्राइज देखने से पहले आंखें बंद करने के लिए बोल रही हूँ, सरप्राइज तो आंखें खोल के ही देखेंगे ना आप। सोनू, तुम कोई शरारत तो नहीं कर रही हो ना? काय टपू से नंबर पर रस्ते नहीं। बाबा सोनू रहने दे, इनको सरप्राइज नहीं देखना है, आप आंखें खुली ही रख सकते हैं। ए नहीं नहीं नहीं, ये बंद किया, बंद 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 बंद, दे देखो अभी दिखाओ। वेरी गुड, 1 2 3। ये क्या है? चॉकलेट है जो मैंने खुद बनाई है। चॉकलेट? यही था हमारी सोनू का सरप्राइज। ओह अच्छा, मतलब कल तुम जो शॉपिंग करने गई थी वो इसका सामान लाने गई थी, और आज सुबह जो एप्रन वेप्रन पहना था वो मतलब चॉकलेट बना रही थी तुम? Yes.
बाबा जल्दी से चखिए और मुझे बताइए ये कैसी है। आओ। खाता खाता हूँ। कैसा लग रहा है? सुनो, अप्रतिम। मेरे पास बताने के शब्द नहीं है माधवी। माधवी, हमारी सुनो बड़ी हो गई है। आज पहली बार तुमने अपने हाथों से कुछ बनाया है। सही कहते हैं लोग, मुलगी शिकली प्रगति झाली। आज तुमने हमारे बाबा को ये सरप्राइज देकर बहुत 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 खुश कर दिया। मैंने कहा था ना बाबा कि मैं अपने वेकेशन का पूरा सदुपयोग करूंगी। अरे तुमने अपने वेकेशन का 100% सदुपयोग किया है। ये तुमने सब अकेले बनाया है कि आई की मदद ली है? नहीं नहीं अजीब बात नहीं, मैंने 1% की मदद नहीं की है। जो भी किया है अपने सोनू ने ही किया है। तो चॉकलेट बनाने के लिए हमें चाहिए चीनी, कोको पाउडर, मिल्क पाउडर, बटर, शुगर, ड्राई फ्रूट्स और पानी। सबसे पहले हम इस चीनी को पतीले में डालेंगे, उसके बाद इसमें पानी डालकर इसकी चाशनी बनाएंगे। अच्छा, अब इसको हिलाते रहना। परफेक्ट, हो गया। हो गया ये? गैस बंद कर देते हैं। अभी ये बोल का क्या करेंगे? इस बोल में हम कोको पाउडर और मिल्क पाउडर छान लेंगे और उसके बाद उसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। देखो ऐसे। अच्छा, अभी मिल्क पाउडर छानेंगे। अभी इसका क्या करना है? अब इस चाशनी में हम बटर डालेंगे और वेनिला एसेंस डालेंगे और फिर हल्के हाथ से उसको मिक्स करेंगे और अब इसमें बटर डालेंगे। हाँ, अभी इस बोल में हम इस चाशनी को डालेंगे। क्या अभी? अब हमने जो ये मिक्सचर बनाया है ना कोको पाउडर और मिल्क पाउडर का, उसको हम धीरे धीरे इसमें डालेंगे। मैं इसको अच्छे से स्टर करना है। हो गया। हाँ, अभी क्या करेंगे इसका? अब हम इस लिक्विड को अलग अलग शेप के मोल्ड में डालेंगे। ड्राई फ्रूट भाई, इसके ऊपर फिर से चॉकलेट डालें। अभी अब हम इस चॉकलेट को फ्रिज में रख देंगे ताकि ये चॉकलेट अच्छे से जम जाए और सेटल हो जाए। अच्छा, कितनी देर तक रखना पड़ता है? तो सिर्फ 20-25 मिनट बस। हाँ, हो जाएगा। हाँ, फिर उसको मोल्ड से निकाल के रैप कर देंगे तो चॉकलेट तैयार। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सरप्राइज। अभी ये स्वीट सा चॉकलेट मेरी स्वीट सोनू के लिए। बेटे भाई, अरे लावण्य जी, आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, आप भी बैठिए। हाँ हाँ बिल्कुल। नमस्ते भाभी। और सोनू बेटा ठीक हो? बस मस्त। वो मैं अपने पापड़ लेने आया था। हाँ हाँ, आपके पापड़ रेडी है, एक मिनट। वो क्या है ना, हम लोग पापड़ खाए बिना रह नहीं सकते और हम लोग पापड़ बनाए बिना रह नहीं सकते। लीजिए। अरे हाँ, इसके कितने हुए? अरे दालवानी जी, आप पैसे दे चुके ऑलरेडी। हाँ। अरे बाबा, मैं तो भूल ही गया। वैसे क्या लेंगे आप, चाय कॉफी? अरे नहीं नहीं, जाना है मुझे, जल्दी है। अच्छा मैं चलता। हाँ। ओके। अरे एक मिनट दालवानी जी, ये चॉकलेट टेस्ट कीजिए। अरे हैप्पी बर्थडे बेटा भाई। अरे मेरा बर्थडे नहीं है, दरअसल ये चॉकलेट मेरी बेटी सोनू ने घर पे बनाया है तो आपको टेस्ट करने के लिए दे रहा हूँ। अच्छी है ना? अच्छी नहीं है। बहुत अच्छी चॉकलेट है। मेरी तरफ से 500 ग्राम के 5 पैकेट का ऑर्डर लिख लो फटाफट। अरे अरे नहीं अंकल, ये तो मैंने बस ऐसे ही बनाई है, बेचने के लिए नहीं है। बेचनी नहीं है? नहीं। सही, मैं तो कहता हूँ कि आप इस चॉकलेट को बेचो। आजकल मार्केट में होममेड चॉकलेट की बहुत डिमांड है। वैसे आप चॉकलेट बेचो ना बेचो, लेकिन मेरे 5 पैकेट तो आपको देने ही पड़ेंगे। हाँ, भाव अपने मन का लगा लेना। अरे लेकिन, अरे लेकिन विकेट कुछ नहीं, मुझे मेरे 5 पैकेट चाहिए ही चाहिए। हाँ, अरे भूलना नहीं बिल्कुल भी। हाँ नहीं भूलेंगे। और नाइस चॉकलेट। हाँ। लगता है इनको चॉकलेट बहुत ही पसंद आ गई। बिजनेस करने का भी कह रहे थे, देखो वैसे इतना ब्रिलियंट आइडिया। अरे वो तो ऐसे ही कह रहे थे। उन्होंने ऐसे ही कहा होगा, पर मुझे ये आइडिया बहुत पसंद आ गया।
खरतर मुझे भी है ना। एक मिनट, मुझे ये आइडिया इतना पसंद नहीं आया है। बाबा मैं ये चॉकलेट बेच के अपने खर्चे के लिए पैसे जमा कर सकती हूँ और फिर मुझे आपसे पॉकेट मनी लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सोनू, एक आदमी ने तारीफ की तो इतना चने के झाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। और ख्याल ही बुलाओ मत पकाओ तुम लोग। हम लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि एक बार ट्राई करने में हर्ज नहीं है। Exactly. एक काम करते हैं, शाम को सोसाइटी में सबके घर पे जाते हैं, सबको ये चॉकलेट टेस्ट करवाते हैं और सबका ओपिनियन लेते हैं कि कैसी बनी है। लेकिन एक बात सुन लो, किसी को बताना नहीं है कि हम लोग चॉकलेट का बिजनेस करने वाले हैं। बिजनेस का कोई इंटेंशन नहीं है, सिर्फ टेस्ट करवाने आया ऐसा बोलना है। ओके, तो सबसे पहले हम सोडी अंकल के घर जाएंगे और उनका ओपिनियन लेंगे। मैं देखती हूँ, तुम लोग खाओ, अच्छे से खाओ। कौन छे? अरे वाह, खाना चल रहा है। ओ भिड़े अंकल, खाने के पैर थोड़ी ना होते, वो कैसे चल सकते? क्यों बाबा? अभी सांस ली मैंने। ओ माय रोशन डार्लिंग, पिड़ू माधवी वैणी और सोनू पुत्र के लिए फर्स्ट क्लास। ओए मक्खन मार के तंदूरी रोटी ला गया। अरे मैं अभी लेकर आती हूँ। रोशन अभी नहीं, नहीं नहीं, अभी हम लोग एक काम से आए हैं। ओ दसो जी, दसो की काम है जी? हमारी सोनू ने घर पे खास होम मेड चॉकलेट्स बनाई है, तो हम चाहते हैं कि आप चख के बताएं कि वो कैसी बनी। हाँ, अरे वाह। सुनो बेटा, चॉकलेट दे। हाँ हाँ। खा रहे कि गाड़ी चला रहे? क्या बोलो, कैसी लगी भाई? नहीं हो सकता जी। का? क्या हुआ, आप लोगों को चॉकलेट पसंद नहीं आई? और सोनू पुत्र, एकदम ऑसम चॉकलेट है, मुंह में जाते ही वाह वाह वाह, क्या बात है। मुझे लगा टन मस्त चॉकलेट है, मावा ने मिठाई करता पन मुलायम। ओए रोशन डालिंग, एक काम करते हैं, वो दिवाली पे मिठाइयों के साथ सोनू पुत्र के हाथ की बनी चॉकलेट भी खाते हैं और अपने मेहमानों को भी खिलाते हैं। आटो गनी सारी आइडिया चाहिए। हाँ रोशन, तू सिर्फ चॉकलेट खाता रहेगा या सोनू को शगन का ऑर्डर भी देगा? अरे ओए रोशन डालिंग, ओ वेरी स्मार्ट। ओ बड़ू, एक काम कर, सोनू पुत्र के हाथ की बनी चॉकलेट के मेरी तरफ से 5 बॉक्स का ऑर्डर लाना। अरे सॉरी, थैंक यू वेरी मच, लेकिन हम इसका बिजनेस नहीं कर रहे भाई। हाँ, सबको सिर्फ टेस्ट करवा रहे हैं कि कैसा बना है सब। हाँ। वो मैंने कुछ नहीं पता, तू अगर मेरा दोस्त है ना तो तुझे सोनू पुत्र के हाथ के बनी चॉकलेट के 5 बॉक्स तो देने ही पड़ेंगे बस। ओके, डोंट वरी सोडी अंकल, आपको जितने चॉकलेट के बॉक्सेस चाहिए मैं उतने बना के दूंगी। भाई सोनू का प्यारा सरप्राइज मेरे की जिंदगी में एक यादगार पल बन गया। मैं इस बात का बड़ा समर्थक हूँ कि ये जो नई जनरेशन है ये बहुत कुछ कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। देखिए ना, सोनू ने इतनी शानदार चॉकलेट बना ली यूं, तो ये नई जनरेशन कुछ भी कर सकती है। और एक बात जरूर तय है कि सोनू ने जो शानदार चॉकलेट बनाई उससे घर बैठे आप भी चॉकलेट बनाना सीख गए होंगे। तो भाई आपने जो सीखा उसका उपयोग कीजिए, आप भी अपने अपनों के लिए शानदार चॉकलेट बनाइए और त्योहार का मजा दुगना कीजिए। यहाँ सोनू ने जो शानदार चॉकलेट बनाई है वो सोढ़ी परिवार को तो पसंद आ गई, बहुत अच्छी लगी और उन्होंने उस चॉकलेट का ऑर्डर भी दे दिया। अब गोकुलधाम के बागे निवासी इस चॉकलेट को जब चखेंगे भाई पसंद तो आएगी, तब क्या करेंगे, वो लोग ऑर्डर देंगे। और मान लीजिए उन्होंने ऑर्डर दिए तो क्या बड़े परिवार चॉकलेट का ये व्यापार करेगा? अब भाई ये तो वक्त बताएगा, ये मैं कैसे बताऊं, लेकिन इतना जरूर तय है कि ये चॉकलेट आपके घरों में लेके आएगी चॉकलेट हंसी और मीठी मीठी मुस्कान। अब ये चॉकलेट का नया प्रकरण भेड़े की जिंदगी में क्या परिवर्तन लाता है ये जानने के लिए देखना होगा आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, चॉकलेट खाते खाते। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.